दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अपने इस प्रोजेक्ट चैनल पे। यह वीडियो बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए है जो छात्र छात्राएं वर्ष 2022 में मैट्रिक या इंटर के एग्जाम देने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा बिहार बोर्ड के तरफ से आप लोगों के डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और बिहार बोर्ड के तरफ से यह भी बताया गया था कि छात्र छात्राओं के जो डमी एडमिट कार्ड है उसका डिटेल आप लोगों के आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिए जाएंगे और भेज दिया गया भी होगा छात्र छात्राओं को। फिर भी आप लोगों के मन में एक चीज जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि हम अपने डमी एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के सहायता से घर बैठे। तो देखिए, इसके लिए अभी तक बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। आप लोगों को अपने डमी एडमिट कार्ड को कैसे देखनी है और क्या क्या देखनी है, इन सबों चीजों के लिए आप लोग जिस महाविद्यालय में एडमिशन लिए हैं या जिस विद्यालय में एडमिशन लिए हैं उस विद्यालय में आप लोगों को जाना होगा, तभी आप अपने डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से आपके कॉलेज के यूजर आईडी और पासवर्ड सभी को शेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपके कॉलेज हो या स्कूल हो तो उनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड रहेंगे और उसी के माध्यम से छात्र छात्राओं का डमी एडमिट कार्ड आपके जो प्रधानाध्यापक महोदय है वो डाउनलोड करके रखेंगे या आप जाइएगा तो रखेंगे। उसके बाद जो उसमें आप लोगों को अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी के नाम, जेंडर, कैटेगोरी या आपने जो भी सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो वो सब्जेक्ट सबका आप लोग मिलान जरूर कर लीजिएगा और आप लोग कहिएगा कि हम अपने मोबाइल फोन से कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए, बिहार बोर्ड की तरफ से पहले ये प्रावधान होता था लेकिन इस बार अभी तक ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है कि छात्र छात्राएं अपने डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे अपने से, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को अपने कॉलेज या महाविद्यालय में जानी है या उस विद्यालय में आप लोगों को जानी है तभी आप लोग अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपके प्रधानाध्यापक देंगे, तब आप देख पाइएगा, ठीक है। और वहां पे भर्ती पुष्टि कर दीजिएगा कि सही है तो फिर आप लोगों को सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर गलती रहेगा तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा वहीं पे, ठीक है, वहीं पे सुधार कर लीजिएगा। जो चीज गलती रहेगा आप लोग बता दीजिएगा। सभी चीज को सही से देखना है। टाइम है आप लोगों का 25 अक्टूबर तक। 25 अक्टूबर तक आप लोग जो अपने महाविद्यालय या उच्च विद्यालय में जाकर के देख सकते हैं। तो यही चीज बताने के लिए आया था कि आप लोगों को YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल रहा होगा कि हम अपने डमी एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो वैसे अभी तक कोई भी प्रावधान नहीं आया है बिहार बोर्ड की तरफ से। छात्र छात्राओं का डमी एडमिट कार्ड उनके महाविद्यालय या विद्यालय में ही मिलेंगे, अन्यथा नहीं।